हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसमें हमने एग्जांपल ली है 16 की, जिसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 16 आता है 8 पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो कितना बचा, 0, ठीक है। उसके बाद 8 कितने पे डिवाइड होता है, 4 पे। रिमाइंडर क्या बचता है, 0। उसके बाद 4 कितने पे आता है, 2 पे, मतलब कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बचता है 0। उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, 2 भी कट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अभी बाइनरी पे एसेंड करते हैं हम, डाउन से अप जाते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 1 0 0 0 0, मतलब ये हमने उनकी पावर्स ली थी। डेसिमल की पावर होती है 10 एंड बाइनरी की पावर होती है 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी हमारी क्या इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, 1 0 0 0 0। ये है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। थैंक यू स्टूडेंट्स।